नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। जिलाधिकारी विनीत कुमार ने तहसील सभागार गरुड़ में आपत्तिकर्ताओं की उपस्थिति में दर्ज आपत्तियों की सुनवाई की, जिसमें आपत्तिकर्ताओं द्वारा गरुड़ को नगर पंचायत न बजाए जाने के संबंध में आपत्ति दर्ज कराई गई कि ग्रामीणों की इतनी आमदनी नहीं है कि वह नगर पंचायत के करों का भुगतान कर सके तथा ग्राम पंचायत की समस्त भूमि कृषि भूमि है और अत्यधिक उपजाऊ भूमि भी है। कृषि ही ग्रामवासियों की आजीविका का मुख्य साधन है। नगर पंचायत बनने पर उपजाऊ कृषि भूमि नष्ट होने की संभावना है। दर्ज आपत्तियों की सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि संबंधित आपत्तियों की सुनवाई कर ली गई है तथा नियमानुसार उनका निराकरण किया जाएगा। आइए पूरी खबर जानते हैं बागेश्वर से हमारे संवाददाता अखिल आजाद की इस रिपोर्ट में। नगर पंचायत गरुड़ जो गठित किया जाना है, उसी के संदर्भ में जो है आज हमने यहाँ पे आपत्ति की सुनवाई करी है। तो इसमें काफ़ी सारे जो है जनप्रतिनिधि, जो अभी फिलहाल जनप्रतिनिधि हैं और काफ़ी सारे जो ग्रामीण हैं, वो आके उन्होंने आपत्ति दर्ज करवाई है। मुख्यतः उनका जो ये कहना है कि जो है इसका नगर पालिका नगर पंचायत अगर ये गठित हो जाती है तो उसके बाद में जो कर लगेंगे तो वो वहाँ पे जो क्षेत्रीय जनता है वो देने में सक्षम नहीं होगी। और इसके अलावा जो वहाँ पे जो भूमि है वो अधिकतर कृषि वाली भूमि है, तो मेनली ये पॉइंट्स पे इन्होंने आपत्ति दर्ज करवाई है। और जितने भी आज आपत्ति आई है उनका जो है जो हमारे व्यवस्था है, जो भी हमारे जीओज वगैरह, उसके अनुसार उनका सबका डिस्पोजल किया जाएगा।